किश्तवाड़ हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से पूछा है कि हिंसा रोकने के लिए उन्होंने क्या किया। उमर को दो दिन में इसका जवाब देना है। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर चौकसी बढ़ा दी गई है। आज लाल किले के पास फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी का सीधा असर आज सोने पर दिखा। सोना 600 रुपए महंगा हो गया है। प्याज के भाव आज भी आसमान पर हैं। दिल्ली में एक किलो प्याज की कीमत 80 रुपए तक पहुंच गई है। कानपुर में बीजेपी ने प्याज की बढ़ती कीमतों का अनोखे तरीके से विरोध किया। बीजेपी विधायक ने इलाहाबाद बैंक के लॉकर में प्याज जमा कराए। निशानेबाज रंजन सोढ़ी को खेल रत्न से नवाजा जाएगा। चयन समिति ने सोढ़ी के नाम की सिफारिश की। क्रिकेटर विराट कोहली और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सिलेक्शन कमेटी ने कुल 14 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड देने की सिफारिश की है। दो दिन की उमस और गर्मी के बाद दिल्ली वालों को आज बारिश ने बड़ी राहत दी। तापमान गिरने से मौसम सुहाना हो गया, लेकिन जगह जगह पर पानी भरने से ट्रैफिक भी धीमा हुआ। दिल्ली में बारिश ने सरकारी इंतजामों की पोल खोल दी है। कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास जलजमाव हो गया है, इसके चलते ट्रैफिक प्रभावित हुआ। भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन को लेकर किसानों ने जंतर मंतर पर आज धरना किया। दिल्ली के गोकुलपुरी में एक पत्नी पर अपने पति को तेजाब पिलाने का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि रूबीना अपने पति से इसलिए नाराज थी क्योंकि वो अपनी मां के साथ ईद मनाने चला गया था। इस जहां एनकाउंटर केस में आरोपी पुलिस ऑफिसर पीपी पांडे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एनसीपी ने मराठा कार्ड खेला है। प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र अहिरवार ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर 5-स्टार होटलों में मराठी न्यूज चैनल को अनिवार्य करने की मांग की है। एनसीपी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर बनी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा की रिलीज का विरोध किया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अवैध खनन माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि पर्यावरण विभाग की एनओसी के बाद ही खनन होना चाहिए और अवैध खनन करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली से फरुखाबाद जा रही यूपी रोडवेज की चलती बस में बदमाशों ने गोली मारकर कंडक्टर की हत्या कर दी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी देखने को मिली है। लाठी डंडे से लैस एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और कई लोगों के साथ मारपीट भी की। बुलंदशहर में छेड़खानी से परेशान कुछ छात्राओं ने एक मनचले की जमकर पिटाई की। यह लड़का आए दिन अपने दोस्तों के साथ इन छात्राओं को स्कूल जाते समय छेड़ता। कोल्हापुर के फुलेवाड़ी में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एक शख्स की बुरी तरह पिटाई कर दी। इस शख्स पर 2 साल की बच्ची से रेप का आरोप है। मुरादाबाद के सिविल लाइन्स इलाके में बाइक चोरी के आरोप में भीड़ ने एक युवक की जमकर पिटाई की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मुश्किल से युवक को भीड़ के चंगुल से छुड़ा। पटना के राजवंशी नगर के डीएवी स्कूल में सोमवार को प्रबंधन और छात्रों के बीच जमकर के हाथापाई हुई। प्रबंधन ने आरोप लगाया कि कुछ छात्रों ने गलत तरीके से एडमिशन लिया है। बिहार के नवादा में 2 गुटों के बीच हुई लड़ाई के बाद यहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए यहां पर अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई। राजस्थान के भीलवाड़ा में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 9 लोग जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार एक बस ने ऑटो को टक्कर मार दी। आईपीएल की तर्ज पर कल से इंडियन बैडमिंटन लीग यानी कि आईबीएल शुरू होने जा रहा है। और चीन में एक प्रेमिका जैसे ही बालकनी से छलांग लगाकर खुदकुशी करने लगी तो प्रेमी उसे बचाने के लिए झपट पड़ा। इस कवायद में दोनों बालकनी में बाहर की तरफ लटक गए। काफी देर की मशक्कत के बाद दोनों को बचा लिया गया।